also you have homopolysaccharide, heteropolysaccharide. Homopolysaccharide means polysaccharide having same monomers, and heteropolysaccharide means polysaccharide having different kind of monomers. So we have seen there are different tests. Meillen's region are there, Barcot region, Bendix test, Barcot test, Selivanov test, Ocezon test. All these are the tests for carbohydrate. So that is the part we have already seen from biochemistry. So from pharmacognosy, what is important? We are going to discuss it in a very short way. So I have listed over here names, name and synonym, then biological source of that drug, then chemical constituent of that drug, and then uses. So one by one we will see. First, drug containing carbohydrate is nothing but the isopgol. Isopgol. So isopgol, what is the biological source? So just remember, it is a dried seeds obtained from Plantago ovata. Dried seeds obtained from Plantago ovata family plant Pentagenaceae. So Plantago ovata se seeds jo milta hai usko bolte hai isopgol. So you might have used this isopgol for the constipation purpose. So isopgol is nothing but the dried seeds of Plantago ovata family Plantagenaceae. So it consists of so ye jo carbohydrates hai, we are going to see in a part. Jaise important part kya hota hai ki uska biological source, chemical constant and uses. तो ये पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही देखने वाले हैं अपन. सो ये थोड़ा सा अलग तरीके से नोट्स है, पूरा एक ड्रग का पूरा डिटेल नहीं है. जैसे बायोलॉजिकल सोर केमिकल कॉन्स्टेंट यूजेस जैसे अपन ने पहले देखा है उस तरीके से ये नहीं है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है. सो फर्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द इसबगोल. इसबगोल, इसबगोल इज अ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट Plantago ovata फैमिली Plantagenaceae. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोसान, म्यूसिलेज एंड अल्डोबायोनिक एसिड. तो क्वेश्चन कहाँ से आता है इसके ऊपर? केमिकल कॉन्स्टेंट. सो इसमें क्या है? पेंटोसान म्यूसिलेज होता है, पेंटोसान म्यूसिलेज, देन अल्डो बायोनिक एसिड. तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अल्डो बायोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन. सो Plantago ovata इसबगोल. सो दिस इज यूज एज अ डिमल्सेंट, लैक्सेटिव, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड. सो इट्स अ लैक्सेटिव, इट्स अ लैक्सेटिव. इट विल इंक्रीज द बॉयल फॉर्मेशन. आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें यूज करते हैं इसबगोल. सो इट विल एब्सॉर्ब द वाटर, इट विल फॉर्म अ बल्क, एंड इट विल एक्सर्ट स्टिमुलेंट एक्शन ऑन द जीआईटी. सो इट इज अ डिमल्सेंट, लैक्सेटिव एंड फार्मास्यूटिकल एड. सेकंड वन इज नथिंग बट द सिलियम, सिलियम और साइलियम. सो सेकंड ड्रग साइलियम. सो ड्राइड सीड्स ऑफ Plantago साइलियम Plantagenaceae. ड्राइड सीड्स ऑफ Plantago साइलियम Plantagenaceae. तो सेम ही कॉन्स्टेंट होता है एज लाइक यूर इसबगोल, उसका यूजेस भी सेम होता है. बट दिस ड्रग इज यूज्ड एज एडल्टरेंट फॉर ओरिजिनल ड्रग, दैट इज इसबगोल. सो इसबगोल इज आल्सो नोन एज समटाइम्स साइलियम, एंड दिस साइलियम Plantago साइलियम इज यूज्ड एज समटाइम्स सब्स्टिट्यूट फॉर. सो नेक्स्ट वन इज अ बेल. बेल यू माइट हैव सीन द बेल, बेल पात्र यू माइट हैव सीन. सो बेल के पत्ते, आप जैसे शिवजी की पूजा करते हो उसमें अपन जो पत्ते यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेल. सो बेल इज नथिंग बट द व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स? ड्राइड फ्रूट्स ऑफ एजल मार्मेलोज. ड्राइड फ्रूट्स ऑफ एजल मार्मेलोज. बेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड एज अ ड्राइड फ्रूट्स ऑफ एजल मार्मेलोज. सो उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट, सो इन दैट यू हैव मार्मेलोसिन फ्लोरोकॉमेरिन. मार्मेलोसिन है फ्लोरोकॉमेरिन. सो इट इज हैविंग एंटी डायरियल प्रॉपर्टी, एंड इट ऑल्सो डाइजेस्टिव. ये डाइजेस्टिव भी होता है, एंटी डायरियल प्रॉपर्टी भी होता है इसको, एंड इट इज ऑल्सो इम्यूनो मॉड्यूलेट. भी इसमें से सिर्फ सबको इम्पोर्टेंट है, बेल के बारे में कभी पूछा नहीं है. एजल मार्मेलोज. ओके, सो याद रखो इसबगोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड सीड्स ऑफ Plantago ovata फैमिली Plantagenaceae. इट कंसिस्ट ऑफ म्यूसिलेज, पेंटोसान एंड अल्डोबायोनिक एसिड, यूज्ड एज अ डिमल्सेंट, लैक्सेटिव एंड फार्मास्यूटिकल एड. साइलियम सेम, साइलियम का यूज भी सेम है. साइलियम इज नथिंग बट द ड्राइड सीड्स ऑफ Plantago साइलियम Plantagenaceae. नेक्स्ट वन इज अ बेल. बेल इज व्हाट? बेल इज अ ड्राइड फ्रूट ऑफ एजल मार्मेलोज. एजल मार्मेलोज, ड्राइड फ्रूट ऑफ एजल मार्मेलोज. सो इसमें मार्मेलोसिन फ्लोरोकॉमेरिन होता है. सो इट इज यूज्ड एज एंटी डायरियल, डाइजेस्टिव एंड इम्यूनो मॉड्यूलेट. देन इम्पोर्टेंट ड्रग इज देयर अकेशिया. अकेशिया इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गम. गम अकेशिया और इंडियन गम. सो वॉट इज इट? इट इज अ ड्राइड गमी सिक्रेशन फ्रॉम द प्लांट नोन एज अकेशिया अरेबिका. प्लांट कौन सा है? अकेशिया अरेबिका एंड अकेशिया सेनेगल. बोथ बिलोंग्स टू फैमिली लेगोमिनासी. सो ये ड्राइड गम होता है ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, और इट इज सिक्रेशन ऑफ प्लांट नोन एज अकेशिया अरेबिका और अकेशिया सेनेगल.
acacia, okay? It is also known as Indian gum. It is also known as Senegal gum. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है सेनेगल, देखो अकेशिया सेनेगल मतलब सेनेगल गम. नाउ इसमें इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ अराबिन. अराबिन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, अराबिन इज द प्रोडक्ट, देन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अराबिक एसिड. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज क्वेश्चन, ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ अराबिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ, इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ अकेशिया. अकेशिया में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, किसके अरेबिक एसिड के. तो अरेबिका नाम किसका है, अकेशिया अरेबिका. तो इसमें से आप ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि अकेशिया अरेबिका है तो उसमें ही अरेबिक एसिड होगा, दूसरे में तो नहीं होगा ना. सो ऑब्वियसली सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अरेबिक, ओके, अरेबिक एसिड. तो अरेबिक एसिड का पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है अकेशिया. Then also consists of some enzyme known as a peroxide enzyme. तो इसमें अराबिन नाम का ये polysaccharide होता है, अराबिन नाम का polysaccharide, and then calcium, magnesium, potassium salt of arabic acid and peroxide enzyme. So what is the use of acacia? So acacia का use वैसे तो बहुत सारा है. In the Ayurveda it is used as a galactagogue. Ayurveda में इसको बोलते हैं galactagogue. Galactagogue मतलब क्या है? Galactagogue मतलब क्या? कि वो आपका आपका डाइजेशन बढ़ा देगा और आप में एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा. ओके, अलर्ट हो. इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट, इट इज अ हाइड्रोकोलाइड. नाउ नेक्स्ट वन इज अ गवार गम. गवार गम मतलब क्या, गवार गम मतलब गवार का जो सब्जी होता है, अपन जो गवार गवारी चेंग कहते हैं, सो वो उसी पेड़ से गम आता है, नोन एज अ गवार गम. सो गवार गम इज नथिंग बट द ड्राइड गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइमोप्सिस टेट्राग्लोबस. Synopsis tetraglobulus. It is obtained from. So gavar gum is nothing but the dried gum obtained from Synopsis tetraglobulus family leguminosae. So Synopsis tetraglobulus नाम का plant होता है, इसका plant का ये नाम ही Synopsis tetraglobulus family leguminosae. So that is gavar gum. Gavar gum is nothing but the dried gum obtained from Synopsis tetraglobulus family leguminosae. So again it is used as a binding agent, emulsifying agent, disintegrating agent, emulgent. Tragacanth is also again a gum. तो ये carbohydrate containing जो product है उसमें maximum आपका gums रहेगा, gums. तो मतलब dink, मराठी में इतना मतलब dink. तो dink ये रहेगा. Next one is a tragacanth. So dried gum obtained from the astragalus gummiper. इसका source पूछते. So देखो acacia gum का एक acacia arabica, acacia senegal, leguminosae family. ट्रैगाकांथ का सोर्स क्या है, ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रागलस गमीपर. एस्ट्रागलस गमीपर, सो याद रखो एस्ट्रागलस गमीपर, दैट इज ऑब्टेन, दैट इज अ प्लांट फॉर ट्रैगाकांथ. ओके, सो लेगुमिनोसी फैमिली, सो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैगाकांथिन, ट्रैगाकांथिक एसिड एंड बासोरिन. ये जो बासोरिन होता है तो ये अलग होता है, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन योर acacia gum and tragacanth by presence of bassorin. Then it is also used as a demulcent and thickening agent. And next one is alginic acid. So it is a polyuronic acid obtained from a fungal growth, from the fungal species of macrocystis pyrifera laminaria hyperborsia. दो फंगस होता है macrocystis, macrocystis pyrifera नाम का एक फंगस होता है macrocystis pyrifera and laminaria hyperborsia. Laminaria hyperborsia, these are the two fungus. So polyuronic acid, alginic acid kya, it is a polyuronic acid obtained from the fungal growth, from fungus species known as a microcystis, microcystis pyrifera and laminaria hyperborsia family Pyophyaceae. Family uska Pyophyaceae. Chemical constituent kya hai uska, alginic acid, and it is also used as a thickening agent and suspending agent. तो याद रखो, इसमें कभी कभी एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते कभी. नेक्स्ट वन इज गम गट्टी. नेक्स्ट वन इज गम गट्टी. सो ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम द एनोजेसस लैटिफोलिया. एनोजेसस लैटिफोलिया, लैटिफोलिया, एनोजेसस लैटिफोलिया फैमिली कॉम्ब्रिटेसी, कॉम्ब्रिटेसी. गट्टी गम कहाँ से मिलता है, ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम एनोजेसस लैटिफोलिया फैमिली कॉम्ब्रिटेसी. इट ऑल्सो हैज इट polysaccharides, two distinct polysaccharides,
sodium, calcium, magnesium sort of polysaccharide and oxidase enzyme. So near about gum ghatti ka constituent near about आपके acacia के constituent के साथ में ही match करता है. Then it is also used as emulsion, emulsifying agent and pharmaceutical aid. Next one is a caraya gum. So caraya gum is obtained from the Sterculia urens family Sterculiaceae. Sterculiaceae. So इसको caraya gum को Sterculia gum भी बोलते हैं. Sterculia और caraya gum. So caraya gum और Sterculia gum obtained from Sterculia urens family Sterculiaceae. So again इसमें polysaccharide होता है with 8% acetyl and 37% uronic acid. जो polysaccharide होता है उसमें भी 8% acetyl होता है and 37% uronic acid होता है. Again used as thickening agent and emulsifying agent. Next one is agar. Agar क्या है? It is a gelatinous substance obtained from Gelidium amansi. Family Gelidiaceae. तो ये gelatin जैसे substance होता है agar. So mostly इसको use करते हैं as a microbial media. मीडिया जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो मीडिया लगता है उसका ही बनता है अगर से. सो इट इज अ जेलेटिनियस सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम अमानसी फैमिली जेलिडियासी. अगेरोस एंड अगेरोपेक्टिन दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ अगेरोस. अगर में क्या होता है दो होता है अगेरोस एक होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड अगेरोपेक्टिन फॉर जेली एंड इट इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव एंड ए इंपॉर्टेंट कंस्टेंट फॉर कल्चर मीडिया. ग्रोथ कल्चर मीडियम होता है उसका ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है. नेक्स्ट वन इज अ कैराजिनान. कैराजिनान इज आल्सो नोन एज आयरिश मॉस. ये याद रखो कैराजिनान इज आल्सो नोन एज आयरिश मॉस. सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है उसका. नाउ व्हाट इज कैराजिनान. कैराजिनान इज सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड. सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड. जो सीवीड मतलब क्या जो जो समुद्र होता है या फिर जो सागर होता है उसमें जो वीड होता है वीड जैसे आपके खेत में भी वीड आता है. सो कांग्रेस का वीड आ रहा है. कांग्रेस का वर्ड का है इट इज अ वीड. दिस कैराजिना इज और आयरिश मॉस इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वीड रेड अल्गी. तो ये समुद्र में जो रेड कलर का अल्गी मिलता है तो उसको बोलते हैं सी वीड एंड उसका नाम क्या है कॉन्ड्रस क्रिप्सस. कॉन्ड्रस क्रिप्सस. सो इट इज अ रेड अल्गी कॉन्ड्रस क्रिप्सस प्रेजेंट इन द सी और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वुड. So what is it? It is a sulfated polysaccharide. Family Rhodopsinae. Rhodopsinae. इसमें आता है chemical constituent kappa carrageenan and lambda carrageenan. So it is also again used as a demulcent, anti-diarrheal and pharmaceutical aid. Now next one is xanthan. Xanthan gum. So it is a fermentation product of glucose. So question आ चुका है. One of the following gum is not obtained from natural source. So ये xanthan gum क्या है. Xanthan gum is a fermentation product of glucose. So ये plant से नहीं आता ये fermentation product xanthan gum. So इसमें क्या आता है what are the chemical constant of xanthan gum. So mannose glucose glucuronic acid. Okay. Then also again same emulsifying agent and stabilizer in the pharmaceuticals. Now honey क्या होता है. honey ये तो सबको पसंद होता है honey. So honey क्या होता है it is a what is honey. It is a salivary secretion of bees. जो bees होते हैं that will give you honey. Honey is not a plant product or it is not a so salivary secretion the bees of species known as Apis mellifera or Apis dorsata. Apis mellifera Apis dorsata family Apidae. So it is a salivary secretion of bees. ये क्या है bees होते हैं bees. Bees से salivary secretion ये collect करते हैं मधु. हर एक flower में जाके उसका essence निकल के वो कलेक्ट करते हैं और अपने यहाँ पे लगाते हैं और अपन उसको जाकर डिस्टर्ब करके निकल के लेके आते हैं खाने के लिए. सो मेन कंस्टिट्यूट ऑफ हनी को क्या होता है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूट. मेन कंस्टिट्यूट ऑफ हनी इज अ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज उसमें 60% होता है ग्लूकोज 40% होता है. दैट्स व्हाई हनी इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज. सो उसमें फ्रुक्टोज होता है. सलाइवरी सेक्रेशन ऑफ एपिस मेलिफेरा एपिस डोर्सेटा फैमिली एपिडी. सो व्हाट इज इट नेचुरल इन वर्ल्ड शुगर. सो अगेन इट इज यूज्ड एज डिमल्सेंट स्वीटनिंग एजेंट. Next one is a chitin. It is obtained from the shells of lobster crab. Shell wall of lower plants. ये chitin, chitin क्या है? It is a polymer of, okay, it is a polymer of carbohydrate. So it is obtained from two sources. First, it is obtained from animal source. That is shells of lobster crab. जो केकड़ा होता है, केकड़ा, उसका एक particular species होता है lobster. वो crab का lobster species से जो shell होता है उसका outer covering shell.
वहां से मिलता है एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लोअर प्लांट, सेल वाल ऑफ लोअर प्लांट. सो चिटिन, सो व्हाट इज चिटिन, केमिकल कॉन्स्टेंट क्या होता है याद रखो, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है. सो चिटिन इज नथिंग बट द टू एसिटामाइड टू डीऑक्सी सेलुलोज. सो चिटिन क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बन टू एसिटामाइड टू डीऑक्सी सेलुलोज. सो इट इज यूज्ड इन यूजर वुंड हीलिंग एडहेसिव, यूज्ड इन द ग्लास एंड प्लास्टिक. ये वुंड हीलिंग एडहेसिव होता है, जो बर्न्स वगैरह होते हैं उसमें वुंड हीलिंग करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज डेक्सट्रिन्स. डेक्सट्रिन्स दे आर आल्सो नोन एज स्टार्च गम और ब्रिटिश गम. याद रखो स्टार्च गम और ब्रिटिश गम. सो इट इज इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ योर स्टार्च. सो स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे. सो पार्शियल और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ योर स्टार्च, दैट इज अ डेक्सट्रिन. सो अगेन यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड, ओके, इन द प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक्स, आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजन. नाउ केमिकल टेस्ट फॉर दीज ड्रग्स, तो हर एक ड्रग का केमिकल टेस्ट. सबसे पहले इसबगुल, इसबगुल का केमिकल टेस्ट. तो याद रखो क्वेश्चन आ चुका है स्वेलिंग इंडेक्स, इसका स्वेलिंग इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. ओके, सो स्वेलिंग इंडेक्स और स्वेलिंग फैक्टर फॉर इसबगुल, जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज द स्वेलिंग इंडेक्स फॉर द इसबगुल, सो इट इज 10 to 14, क्वेश्चन आ चुका है स्वेलिंग इंडेक्स. इसमें क्या करना है आपको, इसका जो इट इज डिटरमाइंड बाय पुटिंग 1 gram ऑफ ड्रग इन द मेजरिंग सिलेंडर. तो 1 gram इसबगुल लेना है आपको 25 ml सिलेंडर में, एड 20 ml ऑफ वाटर विथ ऑकेजनल शेकिंग एंड मेजर द वॉल्यूम इमीजिएटली, कीप दैट असाइड फॉर 24 hours एंड आफ्टर 24 hours यू हैव टू मेजर द वॉल्यूम अगेन. तो क्या होता है कि इसबगुल का सीड स्वेल होता है, स्वेल होता है वाटर लेके स्वेल होता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो दैट इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्वेलिंग फैक्टर और स्वेलिंग इंडेक्स. सो वॉट इज नॉर्मल स्वेलिंग इंडेक्स, 10 to 14, याद रखो. देन अगेन दिस इसबगुल विल गिव यू पिंक कलर विद रुदनियम रेड बिकॉज ऑफ द म्यूसिलेज. इसमें म्यूसिलेज होता है तो रुदनियम रेड के साथ में ये पिंक कलर देगा. याद रखो ये स्वेलिंग इंडेक्स फॉर इसबगुल, दैट इज 10 to 14, ये 10 to 14 स्वेलिंग इंडेक्स होता है. नाउ गम अकेशिया, गम अकेशिया फ्रॉम अकेशिया अराबिका, अकेशिया सेनेगा, फैमिली लेगुमिनास. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है उसका, सो लेड सबस्ट्रेट के सॉल्यूशन के साथ में क्या करेगा ये, सो जेल बनेगा, जेलेटिनाइज. ओके, सो सॉल्यूशन 1% सॉल्यूशन ऑफ लेड एसिटेट प्लस सॉल्यूशन ऑफ अकेशिया विल गेट जेलेटिनाइज्ड. अकेशिया विल नॉट प्रोड्यूस पिंक कलर विद रुदनियम रेड बिकॉज अकेशिया में क्या नहीं होता है, अकेशिया में म्यूसिलेज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट गिव पिंक कलर विद रुदनियम रेड. देन अकेशिया प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेंजीन इन अल्कोहल विल गिव ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज. इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, तो ड्यू टू दैट ऑक्सीडेज एंजाइम इट विल गिव यू ब्लू कलर विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेंजीन सॉल्यूशन. नाउ बोरेक्स टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ बोरेक्स टेस्ट. इतना डिटेल में टेस्ट नहीं पूछेंगे आपको, याद रखना है गम अकेशिया एक्वायर्स स्टिप्स ट्रांसलूटर मास ऑन द ट्रीटमेंट विद बोरेक्स. जब बोरेक्स जब डालेंगे अकेशिया का सॉल्यूशन में तो उसका एक जेल टाइप का ट्रांसलूसेंट मास बनेगा. नाउ टेस्ट फॉर प्योरिटी, हाउ यू कैन नो वेदर योर अकेशिया इज अ प्योर और नॉट. सो डाइल्यूट 1 ml सॉल्यूशन ऑफ गम विद 10 ml वाटर एंड कीप इट फॉर आवर्स. ओके, देयर शुड बी नो सेडिमेंटेशन. गम क्या है, नीचे सेटल नहीं होना चाहिए. देन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अकेशिया, बॉइल एंड कूल एंड उसमें सॉल्यूशन प्लस 1/10 सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, 1/10 सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. सो उसमें ब्राउन कलर आता है. सो ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ द डेक्सट्रिन एंड ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द स्टार्च. तो जीपैट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है इसका. तो रिमेंबर डेक्सट्रिन पार्ट ऑफ योर, डेक्सट्रिन अगर है आपके इसमें तो दैट विल गिव यू ब्राउन कलर विद आयोडीन, एंड स्टार्च अगर है तो दैट विल गिव यू ब्लू कलर. तो स्टार्च में भी दो पार्ट होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज. तो अमाइलोज जो है वो आपको ब्लू कलर देगा और अमाइलोपेक्टिन जो है वो पर्पल कलर देगा. सो जीपैट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है. सो स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन. स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. सो अमाइलोज विल गिव यू ब्लू कलर एंड अमाइलोज विल गिव यू ब्राउन कलर एंड अमाइलोपेक्टिन विल गिव यू पर्पल कलर. सो दैट उसके ऊपर क्वेश्चन था. बाकी पेरिक्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे, इफ यू ट्रीट अकेशिया सोल्यूशन विद पेरिक्लोराइड सोल्यूशन सो देर विल बी ब्लू और ब्लैक कलर ड्यू टू टैनिंस. टैनिन भी रहेगा ना इसमें कुछ उसकी.
गवार गम, गवार गम का एडिशन कैसे करेंगे, डज नॉट एक्वायर ओलिव ग्रीन कलर विद वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का वीक सॉल्यूशन डालेंगे, सो नो ओलिव ग्रीन, रुदनियम रेड के साथ में नो, ओके, सो विद सॉल्यूशन ऑफ द रुदनियम रेड, ओके, सो दिस गवार गम सॉल्यूशन डज नॉट एक्वायर पिंक कलर बिकॉज इसमें क्या नहीं होता है, इसमें म्यूसिलेज नहीं होता है, ओके, डिस्टिंक्शन फ्रॉम अगार एंड स्टर्कोलिया गम, सो इसमें क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि ये सभी गम दिखने में एक जैसे होते हैं, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश, सो फॉर दैट पर्पस प्रेसिपिटेशन विद 1% 2% लीड एसिटेट सॉल्यूशन, तो गवर गम क्या है, प्रेसिपिटेट होता है विद द लीड एसिटेट सॉल्यूशन, नो ब्लू कलर विद द हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन अल्कोहल, डिस्टिंक्शन फ्रॉम गम अकेशिया, नाउ नेक्स्ट वन इज सोडियम अल्जिनेट, सोडियम अल्जिनेट का टेस्ट, एक्वियस सॉल्यूशन फ्रॉम a copperous precipitate with calcium chloride precipitation over 1% solution of the sodium alginate forms a heavy gelatinous precipitate with the sulfuric acid, dilute sulfuric acid, तो अगर 1% solution sodium alginate का ले लिया उसमें dilute digestive support डाल दिया तो क्या होगा, heavy gelatinous precipitate, then it get precipitated with ammonium sulfate, then test for alginate, 1 to 2 gram of drug you have to moisten with water 1 ml of okay 1 ml of acid then ferric sulfate you will get a cherry red color within 5 minutes finally it will become deep purple color that is a test for alginate gum gatti gatti gum ko identify karne ke liye test 5% solution of gum gatti plus mylon's reagent will give you fine precipitate mylon's reagent jo hota hai that is test for carbonate then aqueous solution of this gum gatti solution will give aqueous solution of gum gatti will precipitate with the lead substrate. Lead acetate में ये precipitate करेगा. Gives acacia give conspicuous precipitate. Then again it is precipitated by 2% gelatin solution. Gum gatti. अब pectin क्या है? Pectin के second पे करेंगे. 10% solution of 10% solution of pectin pumps a steep gel on cooling. 5 ml of pectin solution, 1% sodium hydroxide, 1% solution of pectin plus 2% solution of KOH, you have to keep for 15 minutes. A gel will be there. Then agar, agar may stick jelly like stick jelly is formed upon boiling with the 1.5 gram of agar with the 1000 ml water. ठीक है, अब 100 ml water में एक 1.5 gram agar ले लो boil करो तो jelly वो बन जाएगा. When mounted in the solution of the rhodonium red and examined under microscope, उसको rhodonium red के solution में डालेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ओके सो पार्टिकल विल एक्वायर पिंक कलर अगर सॉल्यूशन डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद द टैनिक एसिड क्योंकि अगर में क्या नहीं होता है अगर में टैनिंस नहीं होते और ये अगर अल्कलॉइडल भी नहीं है स्टार्च ठीक है स्टार्च में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बॉइल 1 ग्राम ऑफ स्टार्च विद 15 ml वाटर एंड देन कूल विस्कस जेली इज फॉर्मड अबव जेली टर्न्स डीप ब्लू अपॉन एडिशन ऑफ आयोडीन आयोडीन अगर डालेंगे स्टार्च में तो ब्लू कलर आएगा तो ब्लू कलर डिसअपीयर्स ऑन वार्मिंग एंड रीअपीयर्स ऑन कूलिंग ठीक है तो स्टार्च का सॉल्यूशन है उसमें आयोडीन डाल दिया तो ब्लू कलर हो जाएगा उसको अगर गर्म करेंगे तो वो ब्लू कलर निकल जाएगा चला जाएगा और फिर से अगर कूल करेंगे तो फिर से आ जाएगा नाउ हनी के लिए कौन सा टेस्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है फॉर इनवर्ट शुगर व्हिच इज यूज्ड फॉर द एडल्ट्रेशन ऑफ हनी पीएच टेस्ट पीएच टेस्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है So, pH test is a test used for the identification of artificial sugar in the honey. So, pH test, adulterated honey with invert sugar. Honey is adulterated with invert sugar, which contain furfural, which give instant red color with the resorcinol and hydrochloride. So, pH test is for the identification of artificial sugars in the honey. GPAT में भी आ चुका है, pH test. Then, brick red color with the phthalic solution due to presence of reducing sugar. Honey के लिए ये test है. Now, tragacan के लिए identification कैसे करेंगे? So, yellow precipitate will be obtained when the gum solution will be boiled with a few drop of 10% ferric chloride. Ferric chloride के साथ में ये yellow color देगा. Gum tragacan precipitate the copper oxide will dissolve in the concentrated ammonium hydroxide. Stringy precipitate will be formed. Then, upon warming with the sodium hydroxide, it will give you canary yellow red color. A canary yellow color and with iodine it will give you green color no red color with the rutherian red no red color with the boil when you boil with the SCL tragacan test now chemical constituent
क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, तो हर एक ड्रग का केमिकल कॉन्स्टेंट, वही आपने क्या किया पहले शॉर्ट में देखा कि ड्रग बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टेंट यूजेस, बाद में ड्रग्स एंड देयर केमिकल टेस्ट, ठीक है। अभी क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ इंपोर्टेंट ड्रग्स एंड यूजेस, केमिकल कॉन्स्टेंट एंड यूजेस क्या है। सो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ ड्रग, केमिकल कॉन्स्टेंट एंड यूजेस, ठीक है। सो पहला आता है आपको इसबगुल, इसबगुल आल्सो नोन एज इसबगुल हस्क, इट आल्सो नोन एज इसबगुल हस्क और इंडियन सेलियम और इसबगुला, ठीक है। इसबगुल हस्क और इंडियन सेलियम और इसबगुल और इसबगुला, इसबगुल हस्क, इसबगुल, इंडियन सेलियम, इसबगुला, ठीक है। सो व्हाट इज इट, म्यूसिलेज, ओके। तो इसमें क्या है, म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज प्रेजेंट इन द, म्यूसिलेज प्रेजेंट ऑन द इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ सीड्स, ये जो सीड होता है उसके इसमें म्यूसिलेज होता है। सो इट कंटेन्स पेंटोसान एंड अल्डोबायोनिक एसिड, क्या होता है इसमें, पेंटोसान होता है, अल्डोबायोनिक एसिड होता है, पेंटोसान एंड अल्डोबायोनिक एसिड, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू ज़ाइलोस, अरबिडोज, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, राइमोस। नाउ साइलियम सीड्स, दैट इज अ प्लांट ऑफ साइलियम, इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इसबगुल। तो इसबगुल के, इसबगुल कहाँ से मिलता है, प्लांटागो पोएटा फैमिली प्लांटाजेनेसी। सो दिस साइलियम सीड, दे आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इसबगुल, साइलियम सीड्स, दैट इज प्लांट ऑफ ट्रिपम प्लांटागो साइलियम, यूज्ड फॉर यूज्ड एज अ एडल्ट्रेंट्स और यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इसबगुल। अनदर ड्रग इज देयर, प्लांटागो लैंसियोलेटा, प्लांटागो लैंसियोलेटा इज यूज्ड एज अ एडल्ट्रेंट फॉर इसबगुल सीड, ओके। एंड प्लांटागो लैंसियोलेटा इज अ लॉन्ग एंड इलिप्टिकल इन द शेप एंड येलो ब्राउन इन द कलर, उसका स्वेलिंग इंडेक्स भी कितना होता है, 5, प्लांटागो लैंसियोलेटा। नॉर्मली इसबगुल का स्वेलिंग इंडेक्स होता है 10 to 14, दैट्स हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश, 10 टू 14 होता है आपका नॉर्मल स्वेलिंग इंडेक्स इसबगुल का। तो ये प्लांटागो लैंसियोलेटा, लैंसियोलेटा उसका होता है स्वेलिंग इंडेक्स 5, ओके। Now, what is the use of this isopropyl? It is used in the treatment of chronic constipation. It is demulcent, laxative, emollient, used in the preparation of tablet. It is also used in the stabilizer, in the ice cream preparation. It is a pharmaceutical aid. Gujarat Chemicals, Gujarat Drugs and Chemicals, ये कंपनी है. It is engaged in the manufacturing and, okay, manufacturing and production of your Gujarat Chemicals, Drugs and Chemicals. वो इसमें engaged है. बेल, बेल क्या होता है, इंडियन बेल और बंगाल क्वींस, बंगाल क्वींस और इंडियन बेल, सो इट इज नथिंग बट द, इसमें क्या होता है, मार्मेलोसिन एज अ चीप कॉन्स्टेंट, मार्मेलोसिन इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ बेल, मार्मेलोसिन इज अ चीप कॉन्स्टेंट एंड इट्स फ्यूरोनो कॉमेडेंट, वो भी होता है। अदर कॉन्स्टेंट्स ऑफ आर बेल आर नथिंग बट मार्मेसिन, देन सोरेलिन एंड अम्बिलिफेरॉन, अल्कोलाइड्स भी होते हैं उसमें लाइक ऑर्थो मिथाइल, हाल्फोनड्रेओल, आइसो पेंटिल, हाल्फोनड्रेओल, हाल्फोरडायोल, डायनोल, हाल्फोनडायोल और ओके ऑर्थोमिथाइल, ओके ऑर्थोमिथाइल हाल्फोरडिनोल एंड आइसो पेंटिल हाल्फोरडिनोल। ये ऑर्डिनोल जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द मिथाइल हाफ ऑर्डिनोल, आइसो पेंटिल हाल्फोरडिनोल। तो बेल, व्हाट इज यूज ऑफ बेल, डाइजेस्टिव एपेटाइजर इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री, एक उसका यूज होता है। नेक्स्ट इज नंबर इंडियन गम, इंडियन गम और अकेशिया गम और गम अरेबिक और गम सेनेगल, ये सब सिनोनिम है इसके, इंडियन गम और गम अकेशिया और गम अरेबिका और गम सेनेगल, ठीक है। अकेशिया अरेबिका फैमिली लेगुमिनेसी, अकेशिया सेनेगल फैमिली लेगुमिनेसी। सो मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ दिस इंडियन गम और अकेशिया गम इज अरेबिन, मेन कंस्टिट्यूंट क्या है उसका, अरेबिन, व्हिच इज अरेबिन इटसेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अरेबिक एसिड। तो अरेबिन क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ अरेबिक एसिड, कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ओके। सॉल्ट कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अरेबिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तो उसमें आएगा आपको गम अकेशिया, गम ट्रैगेकांत, गम गट्टी, गवर गम, तो उसमें आता है इंडियन गम, इंडियन गम मतलब गम अकेशिया, अकेशिया फॉर अरेबिक, अकेशिया अरेबिका उसका सोर्स ही है, अकेशिया अरेबिका, तो उसमें अरेबिक एसिड। हाइड्रोलिसिस दिस अरेबिक एसिड यूज एल अरेबिनोज एंड रामनोज डी गैलेक्टोज ग्लूकोयूरिनिक एसिड, इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ वन एंजाइम ऑक्सीडेज, इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम भी होता है। यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, यूज्ड इन द हीमोलाइसिस, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लोजेंजेस, आल्सो यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्स टैबलेट, इट इज अ गम ऑफ चॉइस,
नाउ गवार गम क्या है, इट इज नोन एज अ गवार फ्लोवर और जागुआर गम, तो जागुआर गम सेम नेम है उसको, जागुआर गम, गवार गम का। सो वाटर सोल्यूबल, इसमें दो आता है, वाटर सोल्यूबल पोर्शन, वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन। सो वाटर सोल्यूबल पोर्शन ऑफ गम इज नोन एज अ गवरान। तो 85% वाटर सोल्यूबल पोर्शन रहेगा गवार गम में, उसको बोलते हैं गवरान। हाई मोलिकुलर वेट व्हिच, वो क्या है गवरान, हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोक्लोराइड पॉलीसेक्राइड मेड ऑफ गैलेक्टोज एंड मैनोज। तो गैलेक्टोज मैनोज का ये पॉलीसेक्राइड होता है, दैट इज नोन एज अ गवरान, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीसेक्राइड। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, इट इज यूज्ड एज बाइंडिंग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बल्क लैक्सेटिव, एपेटाइट डिप्रेसेंट, इट इज यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर। एपेटाइट मतलब ये क्या करके आपको भूख कम कर देगा, एपेटाइट डिप्रेसेंट मतलब भूख कम कर देगा। यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर इमल्सिफाइंग एजेंट इन द फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिकल्स। इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक, ओके, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी इज, ओके, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो रिड्यूसेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इसको हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी भी है गवार गम को, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी का कम करता है। नेक्स्ट गम इज अ ट्रैगांथ, 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 यहाँ तो क्वेश्चन नहीं आ चुका है। गोट्स थॉर्न, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, गोट्स थॉर्न, मैं फिर से मैं आपको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, गोट्स थॉर्न। ट्रैगांथ इज नोन एज अ गोट, गोट्स थॉर्न, गोट्स थॉर्न, ट्रैगांथ गम, गोट्स थॉर्न, क्वेश्चन आ चुका है, गोट्स थॉर्न इज सिनोनिम ऑफ ट्रैगांथ गम। ट्रैगांथ गम का सिनोनिम होता है गोट्स थॉर्न, गोट्स मतलब बकरी, उसका थॉर्न मतलब उसका पसंदीदा खाना, तो होता है ना बकरी का पसंदीदा खाना, तो ये ट्रैगांथ का जो पेड़ होता है दैट इज अ गोट्स थॉर्न। गम ड्रैगन, इट इज आल्सो नोन एज गम ड्रैगन और हॉग। सो ट्रैगांथ और गोट्स थॉर्न और गम ड्रैगन और गम हॉग गम। सो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका इट कंसिस्ट ऑफ अगेन टू पोर्शन, वाटर सोल्यूबल पोर्शन जो है, वाटर सोल्यूबल पोर्शन ऑफ ट्रैगांथ इज नोन एज ट्रैगांथिन, वाटर सोल्यूबल पोर्शन जो है उसको बोलते हैं ट्रैगांथिन, वो तो होता है 8 to 10%। सो वाटर सोल्यूबल पोर्शन दैट इज अ ट्रैगांथिन 8 to 10%। वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन होता है बायसोलिन, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन इन द ट्रैगांथ, सो दैट इज अ बायसोलिन, बायसोलिन क्या है वाटर इनसोल्यूबल, ट्रैगांथिन क्या है वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन आता है कि वाटर सोल्यूबल पोर्शन प्रेजेंट इन द ट्रैगांथ, ट्रैगांथिन, वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन दैट इज नथिंग बट द बायसोलिन। जो वाटर सोल्यूबल पोर्शन होता है वो 8 to 10%, जो वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन होता है वो 60 to 70%, नायपर में तो आता है। अलॉन्ग विद दैट मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कंटेंट रहता है उसमें 50%, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई विस्कोसिटी। सिनोनिम्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सो यूजेस क्या है, डिमल्सेंट, इमोलिएंट यूज्ड इन द कॉस्मेटिक, यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट, डिस्पेंसिंग एजेंट, कोई सस्पेंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट इन द फार्मास्यूटिकल्स। सो इट इज अ स्पर्मिसाइडल जेल, यूज्ड इन द स्पर्मिसाइडल जेल आफ्टर इंटीमेटेशन, जब इंटीमेशन के बाद में, इंटीमेशन होने के बाद में, इंटीमेट होने के बाद में जो टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। सो इट इज, इट्स गम इज यूज एज अ स्पर्मिसाइडल, जो स्पर्म को मार देगा। इट इज ऑल्सो यूज एज अ स्टेबिलाइजर इन द आइसक्रीम, इट इज एडेसिव फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन, मतलब चिपका देगा। देन नेक्स्ट वन इज अगार, जो सीबीडी से आता है, रेड अल्गी से आता है, उसमें भी टू डिफरेंट पॉलीसेक्राइड होता है, अगारोज एंड अगारोपेक्टिन। सो टू डिफरेंट पॉलीसेक्राइड इज देयर, सो फर्स्ट वन इज नहीं, फर्स्ट वन इज अगारोज, अगारोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ एंड कंपोज्ड ऑफ डी एंड एल गैलेक्टोज। तो अगारोज जो होता है उसमें क्या आएगा, डी एंड एल गैलेक्टोज। अगारोपेक्टिन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी, अगर अगर में भी दो पार्ट होता है, अगारोज एंड अगारोपेक्टिन। सो अगारोज में दो पार्ट होता है, एक होता है, देर आर टू पॉलीसेक्राइड, टू डिफरेंट पॉलीसेक्राइड। सो फर्स्ट वन इज अगारोज, अगारोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ एंड कंपोज ऑफ डी एन एल गैलेक्टोज। अगारोपेक्टिन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अगार एंड कंसिस्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीसेक्राइड ऑफ गैलेक्टोज एंड यूरिक एसिड। तो अगारोज में क्या है, अगारोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ डी एंड एल गैलेक्टोज, एंड अगारोपेक्टिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अगार कंसिस्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीसेक्राइड ऑफ गैलेक्टोज एंड यूरिक एसिड, एस्टरीफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टरीफिकेशन होता है उसका, यहाँ पे एस्टरीफाइड हो, सो एस्टरीफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। यूज क्या है, अगेन इमल्सिफाइंग लैक्सेटिव, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, ओके, जेलीज एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम एंड ऑल्सो यूज इज कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर क्या है, कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, बल्क लैक्सेटिव होता है, देन
used in the preparation of jelly and confectionery item. Now starch, question इसके ऊपर भी आ चुका है. starch, two different polysaccharides. starch में क्या होता है, two different, इसका सोर्स अलग अलग होता है. wheat starch, potato starch, rice starch, वो different में होता है. two different polysaccharides होता है starch में. there are two different polysaccharides in the starch. कौन सा कौन सा होता है, amylose and amylopectin. so there are two different polysaccharides in the starch. starch में दो different polysaccharides होते हैं और उसका नाम क्या है, amylose and amylopectin. so starch is composed of amylose and amylopectin. one has to two proportion. one has two proportion. तो one रहेगा amylose, two रहेगा amylopectin. amylose is composed of amylose is nothing but the beta amylose. इसको beta amylose बोलते हैं. it is a water soluble portion and will give you blue color with the iodine. GPET 2019 में आया था. तो amylose जो है वो blue color देगा iodine के साथ में. amylopectin क्या है, it is a water insoluble portion and responsible for the gelatinizing property of starch and gives bluish black color. ये क्या करेगा, bluish black, और या फिर उसको purple भी बोलते हैं. so bluish black color with the iodine. तो देखो amylose will give you blue color with the iodine, amylopectin will give you bluish black color with the iodine. GPET 2019 में. tropical starch, cassava and Brazilian starch, they are used as a substitute for adulteration of starch. Then starch is a nutritive, demulsant, protective, binding agent, disintegrant. it is an antidote for iodine. तो question इसके ऊपर भी आ चुका है. what is the antidote for iodine? तो antidote क्या है iodine के लिए, starch. diagnostic agent भी होता है. तो starch is a antidote for iodine. याद रखो, iodine का poisoning होकर हुआ है तो starch. now next one is honey, जो सबको पसंद होता है. honey मतलब मधु, मधु और male. उसको मेल भी बोलते हैं, मधु मेल. मधु और मेल और हनी, मधु मतलब माधुरी दीक्षित नहीं, ये मधु अलग है. हनी इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज. तो हनी में क्या होता है, ये तीन शुगर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज. 35% होगा फ्रुक्टोज, 45% सुक्रोज, 2%. उसमें एंजाइम्स भी होते हैं लाइक इनवर्टेज, डायस्टेज. it is a saturated solution of sugar. being a saturated solution of sugar, okay, on storage it will start crystallizing. agar aapne honey ko bahut din tak rakha to usme crystals ban jate hain. so being a saturated solution, it start crystallization upon the long term storage. product of crystallized dextrose is known as a granulated honey. crystallization hone ke baad mein usko bolte hain granulated honey. crystallization can be minimized by heating. तो आपको अगर थोड़ा हीट करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा. रिमेंबर फेज टेस्ट, टेस्ट अपन ने पहले भी देखा है. फेज टेस्ट इज यूज टू ट्रीट द, इट इज यूज टू डिटेक्ट द आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर इन द हनी. अगर हनी में आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर डाला है तो इसके लिए टेस्ट है, फेज टेस्ट. फेज टेस्ट तो उसका यूज क्या है हनी का, इट इज अ डिमल्सेंट, स्वीटनिंग एजेंट, न्यूट्रिशन होता है, गुड न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स एंड पेशेंट. यूज इन द कप ड्रॉप, कप मिक्सचर्स. also used as a vehicle for ayurvedic preparation. is antiseptic, used in the preparation of cream solution then drinks and candies. energy drinks hota hai usme ye honey lete hai, candies mein bhi honey rehta hai. so this was regarding the, isme kisi ko koi doubt aayega, doubt aayega jab kon lai.